हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है कि एक इलेक्ट्रिशियन को यूएई के अंदर या दुबई में कैसे प्रमोशन होता है और कितना टाइम के बाद उसका प्रमोशन होता है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो मेरा वीडियो देखता है, वो लोग ज़्यादातर 3 साल का डिप्लोमा करके रखा है और कोई कोई आदमी बीटेक भी करके रखा है, तो वो लोग नहीं चाहता है कि हम इलेक्ट्रिकल का मतलब टेक्नीशियन लेवल या इलेक्ट्रिशियन का जो लेबर कैटेगरी होता है वो पोस्ट में आके इधर काम करने के लिए। सही है। तो बाकी बहुत आदमी है जो लोग ITI करके रखा है, 2 साल का डिप्लोमा करके रखा है, तो वो लोग भी पूछता है कि हम इलेक्ट्रिशियन में जाएगा तो आगे हम लोग को कितना टाइम के बाद प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी भी बढ़ जाएगा, पोस्ट भी बढ़ जाएगा, थोड़ा अपने को ऊपर लेवल का काम मिल जाएगा। तो सब लोग चाहता है कि अपना लाइफ में वो कोई भी काम में कोई भी पोस्ट में कोई किधर जाए उसका प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो, वो जैसे मेहनत करके आ रहा है तो उसका फ़ायदा उसको मिले। तो आज इसके ऊपर मैं बात करूँगा। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है, आपका पास कुछ है या नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप ITI भी नहीं किया है, आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है, बाकी डिप्लोमा नहीं किया है, बीटेक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आप आराम से इलेक्ट्रिकल में आ सकते हैं और आपका भी प्रमोशन इधर हो जाएगा। और जो लोग किया है वो लोग का तो होगा ही होगा, कि वो लोग को बैक सपोर्ट है कि उनका एजुकेशन और उसके बाद उनका टेक्निकली जो सर्टिफिकेट होता है, जो कोर्स वो लोग स्पेशल कोर्स करके रखा है। तो कैसे होता है, देखिए, पहले आपको एक कोई भी कंपनी, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप लोग आना है उसमें भी आइए, मेंटेनेंस फील्ड में आना है तो मेंटेनेंस फील्ड में भी आप आ सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपको जल्दी प्रमोशन हो जाएगा मेंटेनेंस फील्ड से। लेकिन काम जो आराम होता है वो होता है मेंटेनेंस कंपनी में। कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको धूप में गर्मी में ज़्यादा मेहनत का काम मिलेगा, लेकिन मेंटेनेंस में क्या होता है, AC का अंदर काम रहेगा, थोड़ा बहुत बाहर में या गर्मी में काम होगा तो, लेकिन ज़्यादा टाइम आपको ठंडी के अंदर काम होएगा और वो भी आराम से आप काम कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं रहेगा और बाकी आपको सब कुछ ठीक रहेगा उसमें। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फैक्ट्री है, ऑयल प्रोजेक्ट, गैस प्रोजेक्ट है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको नया नया काम, मतलब काम का नया शुरू करने का, जैसे एक बिल्डिंग बन गया, एक रूम बन गया, उसको पावर चाहिए, DB लगाना पड़ेगा, मतलब नया इंस्टॉलेशन काम उसमें होता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में ओनली मेंटेनेंस होता है, काम पहले से हो गया होगा, रेडी होगा और उसमें जो थोड़ा मोड़ा कंप्लेन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, फॉल्ट आएगा, वो फॉल्ट को आप लोग सही करना है, ठीक करना है, तो वो मेंटेनेंस में। लेकिन कंस्ट्रक्शन में आपको पूरा नया लगाना पड़ेगा, सही है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन का साइड आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा, लेकिन उसमें प्रमोशन जल्दी होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन में आ गया, आप कोई भी कंपनी में आया तो पहला 2 साल क्या होता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करके आपका काम जो भी है अच्छा से करने का, ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ और कैसे भी काम कर दूँ, कैसे भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। काम का क्वालिटी होना चाहिए, मतलब जैसे सीधा सीधा काम होना चाहिए, वायर पुलिंग करेगा तो वायर डैमेज नहीं होना चाहिए, आपका टेस्टिंग जो प्रोग्रेस होता है मेगर कंटिन्यूटी, ये सब आपको अच्छा से करना चाहिए, DB ड्रेसिंग अच्छा से करना चाहिए, जो भी आपका टीम लीडर सार्जेंट या फोरमैन सुपरवाइजर आपको बोलेगा, कभी भी कितना प्रेशर बोले, कितना काम बोले, आप आपसे जितना हो सकता है आप उतना करने का, लेकिन उल्टा जवाब नहीं देने का, ये एक होता है। सिर्फ काम मेहनत करने से आपका प्रमोशन नहीं हो जाता है, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपका कैसा मतलब रिकॉर्ड है, 1 साल 6 महीना 2 साल से क्या रिकॉर्ड है वो भी चेक किया जाता है। तो इसके लिए फोरमैन सुपरवाइजर इंजीनियर का काम होता ही प्रेशर डालने का, या कुछ गलत कर दिया तो 2 बात वो लोग सुना लेंगे, लेकिन आपको आपका लाइफ को आपको आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि मेरे को कितना जल्दी कंपनी में ऊपर पोस्ट में आना है, प्रमोशन करना है। इसके लिए आपको हर चीज़ बर्दाश्त करके प्यार से आप ओके ओके बोल के, कुछ गलती हो गया तो सॉरी बोल के उधर ही बात ख़त्म करके आपका काम पे लग जाना चाहिए, सही है। ये होता है एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा टेक्नीशियन का काम। तो उसमें क्या होता है, वो लोग भी देखेगा कि ये बंदा गलत भी किया, हम लोग बोल दिया तो वापस कुछ जवाब नहीं दिया, झगड़ा नहीं किया, लफड़ा नहीं किया, एब्सेंट भी नहीं कर रहा है, ड्यूटी बराबर कर रहा है, आपको कितना भी मेहनत करने के बाद कितना भी थकाना है, आपको जो हफ्ता में 1 छुट्टी है वही 1 ही छुट्टी आपको रेस्ट करना है, एक्स्ट्रा छुट्टी आपको 2-3 छुट्टी हर महीने में 1-2 छुट्टी एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं करना है। और अच्छा होगा कि वो छुट्टी नहीं लेके आप 30 दिन भी ड्यूटी कर पाएगा तो करना चाहिए। मैं भी किया हूँ, बहुत पहले मैं भी किया था, हर महीना कंप्लीटली ड्यूटी कर रहा था और छुट्टी में भी करके उसका भी ओवर टाइम कमा रहा था। तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ ज़्यादा धूप का गर्मी का काम होता है उसी महीना में आपको थोड़ा ज़्यादा टायर्ड होता है कि उस महीने आपको ओवर टाइम नहीं करना है, लेकिन जो भी आपका ड्यूटी वो ड्यूटी एक भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए 2 साल का अंदर, सही है। तो पहला 2 साल आपका जब अच्छा काम हो जाएगा
आपका रिकॉर्ड भी अच्छा बन जाएगा, आप तब सुपरवाइजर इंजीनियर से थोड़ा क्लोज भी हो जाएगा, अच्छा काम करेगा तो जो अच्छा काम करता है उसका सुपरवाइजर फोरमैन उसको बहुत प्यार करता है, उसको सपोर्ट भी करता है, उसके लिए प्रमोशन के लिए मैनेजर के साथ भी बात करता है, जब चांस आता है कंपनी का कौन सा आदमी थोड़ा अच्छा नॉलेज वाला है, हम बाहर से फोरमैन लेने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा लो ले रहा है। देखिए एक कंपनी का अंदर एक फोरमैन लेकर आएगा उसको 2500 से 3000 4000 देना पड़ता है, मतलब वो लोग को जब इंटरव्यू करता है तो 4-5 हज़ार दिनों ही वो लोग बोलता है, लेकिन कंपनी कितना देता है उसका हिसाब से उसको 3000 देगा, 2500 देगा या 4000 देगा, उसमें क्या करता है वो लोग आता नहीं है, तो कंपनी को मजबूरन 4000-5000 वो लोग को देना पड़ रहा है। लेकिन अपना कंपनी से जो लेबर कैटेगरी से जो लेबर में काम कर रहा है, टेक्नीशियन में काम कर रहा है, उसको मतलब फोरमैन का मालूम हो गया, जैसे आप काम किया आप पहले आपको पाइपिंग काम करना पड़ेगा, फर्स्ट फिक्स क्या है आपको समझ आ जाएगा, सेकंड फिक्स में आपको जो वायर पुलिंग, हेगलाइनिंग, टर्मिनेशन, केबल पुलिंग है वो भी आपको समझ आ जाएगा, फाइनल फिक्स में क्या होता है कि आपको पूरा फाइनल डिवाइस लगाना, क्या लाइट जो भी है, सॉकेट है, जो भी फाइनल फिक्स का सामान होता है वो आपको लगाना है, एक्सेसरी से होता है, फिटिंग होता है बिल्डिंग में वो, उसके बाद टेस्टिंग, कमीशनिंग, ये चार काम आपको 1 से 2 साल अंदर पूरा मालूम हो जाएगा। आप अपना मुल्क में क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो मतलब नहीं है, यहाँ आके आपका स्टार्टिंग जो शुरुआत है आप यही से फॉलोअप करेगा और बराबर मेहनत करके काम को सीखेगा, ध्यान देगा, तो आप क्या हो गया, काम का मास्टर हो गया। जब काम का आप मास्टर हो गया तो आपको कोई भी सुपरवाइजर इंजीनियर कोई भी आपको कोई भी एक साइड दे देगा, मतलब जैसे बोलेगा कि भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुमको काम पूरा समझ आ गया, तुम ये काम लो, ये 4 आदमी लेके काम कराओ, ये 10 आदमी लेके काम कराओ, मतलब उस टाइम तुमको टीम लीडर का जैसा सेम काम करने के लिए दिएगा। जब आप टीम लीडर में काम करना चालू कर देगा, भले आप टेक्नीशियन है, आपका पोस्ट चेंज नहीं हुआ, आपका सैलरी नहीं बढ़ाया, लेकिन आपको आपका नाम चला गया कि आपका जब डेली प्रोग्रेस जाता है, मैनेजर था कंपनी का, सबको मालूम होता है कि ये बंदा टीम लीडर में काम कर रहा है, तो इसको जब नेक्स्ट जब चांस आएगा तब आपको टीम लीडर या फोरमैन के लिए वो आपका नाम दे देगा। क्यों? आपको पहले तो एक आपका बिहेवियर अच्छा है, वो आपसे खुश है, आपका सुपरवाइजर या फोरमैन जो भी साइड में जिसका अंडर में आप काम कर रहे हैं या इंजीनियर, और उसका बाद आपको काम भी पूरा समझ आ गया तो वो क्या करेगा, आपको प्रमोशन करने के लिए मैनेजर से बात करेगा। फिर क्या करेगा, मैनेजर आपको बुलाएगा, वो एक छोटा सा टेस्ट लेगा कि वो आपका इंजीनियर सुपरवाइजर बोल दिया तो वो ख़त्म है, लेकिन एक बार वो ट्राई करता है कि एचआर वाला थोड़ा गिर करता है कि आप किसी को भी लेके प्रमोशन कर देता है, आगे आके वो लोग काम कर पाएगा नहीं पाएगा, तो इसके लिए उसको थोड़ा एक टेस्ट लेता है, थोड़ा बहुत आपको पूछ लेगा काम के ऊपर, उसका बाद आप कैसे टीम गाइड कर सकते हैं, जैसे आप टीम को संभाल रहा है, जैसे काम करा रहा है, ऐसे देखने का, आपका सुपरवाइजर फोरमैन आपको कैसे काम करा रहा था वो भी आपको देखना है, तो वो देखने के बाद वो सब आप जब बोल देंगे उधर, तो फिर आपका प्रमोशन के लिए ऑफिस में लेटर चला जाएगा, आप टीम लीडर या फोरमैन जरूर बन जाएगा। कब? 2 साल बाद। 2 साल बाद कोई कोई कंपनी में थोड़ा काम प्रोसेस देने होता है तो 3-4 साल बाद आपका तो प्रमोशन हो ही जाएगा। जब आप एक बार फोरमैन में आ गया, टीम लीडर में आ गया, तो आगे के लिए आप कभी भी कोई भी कंपनी आपको टेक्नीशियन में नहीं लेगा या आप भी जाएगा नहीं, आप जाएगा कब, सीनियर फोरमैन, सीनियर सुपरवाइजर, सीनियर टीम लीडर, उसी लेवल पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब से आप लेबर कैटेगरी से जब तक आप नहीं निकलेगा, कितना कंपनी में भी आओ, आप जाओ 10 कंपनी में भी काम करो, आप वही लेबर कैटेगरी में ही आप काम करना पड़ेगा। क्यों? आप टेक्नीशियन है तो आपको टेक्नीशियन मिलेगा, दूसरा कंपनी आपको सुपरवाइजर फोरमैन में नहीं लेगा। इसके लिए जो कंपनी में आप स्टार्टिंग कर रहे हैं उसी कंपनी में आपका लाइफ बनाने के लिए जितना मेहनत करना पड़े, जितना बर्दाश्त करना पड़े दूसरे का बात, सुपरवाइजर इंजीनियर का बात, उतना करके उधर से आप कैसे भी प्रमोशन करके एक बार आप टीम लीडर फोरमैन हो गया, आगे के लिए फिर आगे आप टेस्ट दे सकते हैं, आप उधर बता सकते हैं मैं ये कंपनी में टीम लीडर में 4 साल काम किया, फोरमैन में 2 साल काम किया, मेरे को अभी सुपरवाइजर का काम मुझे कर सकता है, वो फिर आप उसमें जाके सुपरवाइजर कर सकते हैं। और आपका साथ फिर डिप्लोमा या बीटेक है तो फिर आप और नेक्स्ट 2 साल का बाद आप इंजीनियर भी बन सकता है, आपको इंजीनियर का पोस्ट दे देगा, साइड इंजीनियर का पोस्ट दे देगा, आप इंजीनियरिंग काम कर सकता है या ऑफिशियली काम या कंप्यूटर का काम आपको मालूम है तो फिर आपको ऑफिस में भी काम मिल जाएगा। मतलब ऐसा ही एक छोटा लेवल से आके टेक्नीशियन लोग बहुत ऊपर तक गया है, सही है। तो ऐसा मैं 15 साल के अंदर बहुत सारे आदमी को देखा है, मैं भी खुद में जब आया था मैं फिर स्टाफ में फोरमैन सुपरवाइजर में नहीं आया था, मैं शुरू से मैं टीम लीडर आया था क्योंकि मेरा को एक्सपीरियंस ज़्यादा था इंडिया में काम करके, जो गोल्फ का टाइप का काम होता है वो मैं वहाँ कर रहा था हैदराबाद में, तो जिस वजह से मुझे नॉलेज था और वो लोग मुझे पहली बार में सिलेक्ट कर दिया था। इधर आने के बाद मैं भी ऐसे ही फॉलो किया जैसे मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, सब कुछ ऐसे करके मैं भी आज ऊपर आया और ज़्यादा पैसा भी कमा रहा है, सैलरी भी बढ़ जाएगा और प्रमोशन भी हो जाएगा, पोस्ट भी चेंज हो जाएगा, आपको इज्जत भी ज़्यादा मिलेगा। तो मेरा यही बोलना है जो बंदा लोग बैठा है उधर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या डिप्लोमा बीटेक करके, जो सिविल इंजीनियर भी है, सिविल इंजीनियर भी जो भी है, वो लोग भी आप ऐसे बैठा रहेगा कि हमको जब हमारा पोस्ट मिलेगा हम तब जाएंगे। तो देखिए पहली बार कोई भी गल्फ कंट्री का कंपनी आपको, आप इंजीनियर किया है तो आप इंजीनियर पोस्ट में नहीं लेगा या सुपरवाइजर पोस्ट में भी नहीं लेगा, क्यों? आपको फील्ड का जो गल्फ का फील्ड का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपका पास नहीं है,
तो इसके लिए आप कैसे भी आके इधर शुरू नीचे से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो साल आप तो ऐसे भी अपना मुल्क में बैठे बैठे ख़त्म कर देता है। बहुत सारे दोस्त लोग मुझे कमेंट्स करता है कि हम लोग चार साल से इधर बैठा है, कोई काम ही नहीं है, कोर्स कंप्लीट हो गया, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करके उसी को एक आप ट्रेनिंग पीरियड समझ के इधर आके दो साल आप काम करो, दो साल बाद आपका जरूर प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपका बिहेवियर और काम का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, मैं बोल दिया दो साल बाद कोई भी आएगा तो ऐसे कैसे भी अपना मर्जी में काम करेगा, टाइम दो साल निकाल देगा और बोलेगा मेरे को प्रमोशन नहीं हो जाए हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत, कड़ी मेहनत करना है, आपको दिखाना है आपका सीनियर को आपका क्वालिटी क्या है, उसके बाद आपका जिम्मेदारी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दिखाना है, तभी उसको भरोसा आएगा कि ये बंदा को मैं ऊपर प्रमोशन करने के लिए सही है, मैं उसका नाम दे सकता है। तो यही था छोटा सा वीडियो में, आप लोग बहुत बार पूछा, लाइव में भी पूछा, कमेंट्स भी किया, तो मैं सोचा कि सबको जवाब तो देना नहीं हो सकता है, तो एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, जो मेरा दोस्त लोग है उन लोग को थोड़ा हिम्मत मिलेगा और उन लोग को थोड़ा भरोसा होगा, और वो लोग खाली बैठे हुए जो टाइम बर्बाद कर रहा है उसी टाइम के अंदर वो कुछ ना कुछ स्टेप लेके अपना करियर अपना फ्यूचर के लिए वो लोग प्लानिंग कर सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए, और आगे कौन सा टाइप का वीडियो चाहिए उसका ऊपर भी बताइए। बहुत सारे दोस्त अलग अलग टाइप का अलग अलग टॉपिक का मुझे बोल रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जैसे देखिए जितना मुझे जानकारी है, जितना मेरा नॉलेज है उसका अंदर में आप लोग पूछेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता है। मेरा नॉलेज का बाहर जो होगा उसका वीडियो मैं नहीं बना सकता है, क्यों, मैं दूसरा यूट्यूबर जैसा नहीं हूँ या यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ काम का और इधर का जो एक्सपीरियंस है मेरा 15 साल का, मैं वही आप लोग को शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा जानकारी मिले। बाकी किसी का वीडियो देख के उससे कॉपी करके उसको मैं दूसरा मॉडिफाई करके बताने का उसमें बराबर मेरा एक्सपीरियंस वाला बात नहीं आ जाएगा, तो इसके लिए मैं वो सब नहीं करता है। जो मेरा जानकारी है, मेरे को जितना मालूम है उतना का अंदर मैं आप लोग को जानकारी देता हूँ, तो बाकी उसी का अंदर में आप लोग कमेंट्स करेगा तो वो वीडियो भी जरूर आएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।